अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम इस्मतुल्लाह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल दी ए आई ओ। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर तुलबा की एक बहुत बड़ी परेशानी जो है वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर ख़त्म हो जाएगी। आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे इंशाल्लाह आपकी वो जो परेशानी है जिसके वजह से काफ़ी तुलबा परेशान और इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो बगैर आपको टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इस दफ़ा काफ़ी जो तुलबा हैं जिन्होंने अपने एडमिशन भेजा है, एडमिशन भेजने के बाद वो ये जानना चाह रहे हैं कि हमने फीस भी करवा दी है तो हम अपना एडमिशन कंफर्मेशन किस तरह चेक कर सकते हैं। जितने भी कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले उनका जो एकेडमिक लेवल के अंदर ऑप्शन था कोर्स हिस्ट्री का वो यूनिवर्सिटी ने रिमूव कर दिया है। अक्सर बच्चों को तो पता है लेकिन अक्सर बच्चों को नहीं पता, वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होता है तो उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर वहाँ पर सब्जेक्ट शो हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है। अभी वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो तुलबा किस तरह अपना एडमिशन कन्फर्मेशन चेक करेंगे, उसका दूसरा मेथड ये है कि आपने मेलिंग बुक एड्रेस वाला एक लिंक दिया हुआ है CMS अकाउंट के अंदर ही, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे सर्च का ऑप्शन नजर आएगा, सर्च के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट शो हो जाते हैं तो उसका मतलब आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। अगर दो तीन लिंक शो होते हैं तो जो बिल्कुल एंड वाला लिंक होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स के अंदर अगर आपकी बुक्स शो हो जाती है तो उसका मतलब आपका एडमिशन जो है वो कन्फर्म हो चुका है। तो उसके बाद से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।